हाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग तो आज हम एटोमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी एस सी फर्स्ट ईयर का ठीक है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है एटोमिक स्ट्रक्चर वो आज हम डिस्कस कर लेंगे सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर सबसे पहले हमें पता था इसमें हम पूरे इस चैप्टर में हम एटोमिक के बारे में पढ़ेंगे मतलब एटम होता क्या है किस किस ने डिस्कवर किया तो सबसे पहले एटम हमें पता था कि उसमें थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते थे जैसे जो जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एन एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन जो होता है ई e नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन नो चार्जेस ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते थे उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। किस किस को इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स को जब हम आपको ये पता चल गया तब थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं अब हम बोलते क्यों बोलते हैं क्योंकि जो एन एटम इसने कहा था थॉमसन ने दैट एन ऐटम रिसम्बल्स अस्फेयर विच हैज पॉजिटिव जिसको हम प्रोटोन एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इनसाइड द स्फेयर थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है ना वो एक तो स्फेयर शेप में और उसके अंदर ऑनली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जैसे ये एटम ये स्फेयर्स शेप में इसमें ऑनली पॉजिटिव और नगेटिव चार्जेस है ठीक है ये तो थॉमसन ने बोला बट ये भी नहीं चला मतलब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए थे ठीक है तो इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल इसे बोलते हैं क्योंकि जैसे प्लम्स में हो वाटर में होते हैं ना सीड्स तो ब्लैक कलर के होते हैं और सब में इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स वो सीड्स है तभी इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं उसके बाद जब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए क्योंकि ये स्टेबल तो है ही नहीं है ना ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल नहीं है तब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है तब हम आपको रदा ने एक मॉडल दिया अब उसे डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम रता फॉर्ड ने क्या कहा था कि दैट जो एटम है, है ना वो एक न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है जिसमें सेंटर ऑफ द एटम के, मतलब बीचों बीच एक न्यूक्लियस है द होल ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस की जो एक ऐटम है उसके बीचों बीचे एक न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव और नगेटिव चार्ज है मतलब पूरा उसमें कंसंट्रेट है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं इट इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरे परे रिवॉल्व कर रहे विच आर रिवॉल्विंग अराउंड एट वेरी हाई स्पीड्स ये रदरफोर्ड ने कहा था ठीक है बट एन एटम बेस्ड ऑन दिस मॉडल वुड बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल ये अनस्टेबल है जब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे ये भी अनस्टेबल हुआ थॉमसन ने दिया था मॉडल जो रदरफोर्ड ने ड्रॉबैक्स निकाले और Uh, इसने भी मॉडल दिया ये भी अनस्टेबल uh, हुआ अब हम नेक्स्ट क्या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मो मैग्नेटिक थ्यूरी ऑफ रेडिएशन वेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज सब्जेक्टेड टू एक्सिल्रेट इट इमेट्स रेडिएशन एंड लूज एनर्जी ओके क्लासिकल थर्मो मैग्नेटिक थ्यूरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो सब्जेक्ट टू एक्सेलरेट इट एमिट्स रेडिएशन एंड लूज एनर्जी ये एक्सेलरेट करते रहते जो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसीलिए ये एनर्जी लूज करते हैं देफो इफ अ चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट एज इन रदरफोर्ड मॉडल इट शुड एनर्जी एट वेरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग अ स्परिचुअल पाथ एज अजल्च इट्स ऑर्बिट शुड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस मतलब कि रदरफ uh, ने जो हमारे मॉडल कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है उसमें पूरा प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन कंसनट्रेटेड है और अरे परे इलेक्ट्रॉनस हैं बट क्लासिकल इलेक्ट्रो मैगनेटिक थ्यूरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो सब्जेक्ट मतलब वो एक्सेलरेट करता रहता है तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहेंगे करते रहेंगे और वो क्लोज हो जाएंगे जो हमारा पाथ है ना जो हम दिया हुआ है उसमें मूव करते रहेंगे करते रहेंगे और वो क्लोज आके गिर जाएंगे जो न्यूक्लियस के ऊपर तो ये भी कैंसल हुआ तब एंड में बोहर ने एक सॉल्यूशन दिया देन बोहर प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम

बाई डिसकॉन्टिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल क्वेंटा इसे हम फोटोन ऑफ लाइट भी कहते हैं ईच क्वेंटम इज एक्सलरेटेड विद ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट जो है एनर्जी इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू वी वी ने ईटा है ई इक्वल टू एच यू जो एच है उसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं जिसकी वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन रिस्ड पावर माइनस थर्टी फोर जू सो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमेटेड और एबजॉर्व बाय अ बॉडी विल बी अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वान्ट ईक्ल टू एन एच म्यू और ई इक्वल टू एन एच सी ओवर म्यू लेमडा जो एन की वैल्यू है वन टू थ्री यह हम आपको बोहर ने बोला था uh, सबसे पहले हम आपको थॉमसन ने मॉडल दिया जो भी अनस्टेबल हुआ उस पर रदाफॉर्ड ने दिया वो भी अनस्टेबल हुआ उसके बाद बोहर ने हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो हम अभी भी हम बोहर का ही से ही हम एटम्स को हम समझते हैं कि क्या होता है एटम तो इसके हम पॉस्टुलेट्स uh, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो